गुलबर्गा एसडीपीआई लीडर्स ने तिम्मापुरी सर्कल से गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा के घर तक प्रोटेस्ट कर चुप्पी तोड़ो कनीस फातिमा के नारे लगाए हैं। कनीस फातिमा मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के ऊपर बात करो। अरे मैडम कनीस फातिमा, कांग्रेस की नोटिस से डरना बंद करो। मुसलमानों के वोट लेकर खामोशी नहीं चलेगी। एसडीपीआई से अली मिलाई और सैयदा सादिया ने मीडिया से बात कर कहा, कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट बनकर कुल 8 महीने कंप्लीट हो गए हैं, पर मुसलमानों के इश्यूज पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। इलेक्शन के दौरान बड़ी बड़ी बातें करने वाले मुसलमानों के मसीहा आज गिरगिर की तरह रंग बदल दिए हैं। कनीस फातिमा को मिलाकर कर्नाटका में कुल 9 मुस्लिम एमएलए हैं, पर इलेक्शन जीतने के बाद से आज तक ये किसी भी माइनॉरिटी इश्यूज पर बात नहीं किए हैं। इलेक्शन के टाइम आरएसएस बजरंग दल जैसी संगठन को बैन करने का वादा किया गया था, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद इन संगठनों को बैन करना तो दूर, ये लोग मुस्लिम औरतों के खिलाफ बेहुदा बयान देने वाले आरएसएस लीडर प्रभाकर भट्ट के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। पूरे कर्नाटका में एक मुस्लिम हिजाबी एमएलए गुलबर्गा नॉर्थ से कनीस फातिमा है, पर यह भी प्रभाकर भट्ट के खिलाफ कोई बात नहीं किया है। एसडीपीआई लीडर्स ने कहा, खमरुल इस्लाम एक ऐसे मुस्लिम एमएलए थे जिनके सामने मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लीडर भी बात करने की हिम्मत नहीं रखते थे। आज गुलबर्गा की हालत ऐसी है कि प्रियांक खड़गे को पूछे बिना कोई काम नहीं होता। मजीद इस मामले में एसडीपीआई लीडर्स ने क्या कहा, जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। This video presented by Inspire Global Group Institute. Learn to succeed. Institute offers a wide range of professional and technical courses. Currently offering 20% discounts. Visit for details and free career counseling at MG Road, Adarsh Nagar, Kalburgi. Marhoom Dr. Khamrul Islam sahab ki ek baat yaad aati hai mujhe, jo Saad Gumbaj ke tareekhi maidan se ye keh rahe the ki jis waqt unko ministry se hataya gaya tha, unhone kaha tha, कांग्रेस पार्टी अगर मेरी कौम के बारे में अगर स्टैंड नहीं ले सकती तो इसी पार्टी को मैं ज्योति के नोक पे रखता हूं बोलकर खमरुल इस्लाम साहब ने कहा था। जो खमरुल इस्लाम साहब के पास जो दिलेरी थी, जो शेरगापन था, वो पन मोहतरमा कनीस फातिमा के पास नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं मोहतरमा कनीस फातिमा जी, प्रियंक खड़गे खमरुल इस्लाम साहब के सामने ठहरने की या तो बैठने की ताकत तक नहीं रख सकते थे, बैठने की भी ताकत नहीं रख सकते। खुद जो मल्लिकार्जुन खड़गे है वो भी कभी खमरुल इस्लाम के खिलाफ बात करने की ताकत भी नहीं रख सकते थे। लेकिन आपके जीतने के बाद, टोटल पूरा गुलबर्गे के अंदर मुसलमानों का लीडर कौन है बोले तो कोई भी नहीं है। किसके पास जाना बोले तो प्रियंक खड़गे साहब के पास जाकर ठहरना, ठहर के क्या भी रिक्वेस्ट रहा तो उनके पास करना। तो फिर वैसा रहा तो आप कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं, आप कुर्सी को रेजिग्नेशन देना है। आप जो वादा करे थे मैनिफेस्टो लेकर, आपा खाला अम्मा बोलकर घर घर आकर, जो कांग्रेस के चापलूसी करने वाले लीडरान, जो खड़गे के चापलूसी करने वाले लीडरान, ये लोग जब तक खमरुल इस्लाम साहब जिंदा थे उस वक्त ये लोग खमरुल इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे थे। आज वो लोग मैडम के साथ ठहर कर यहाँ पर आकर मुसलमानों के वोट मांगते हैं, ये कितनी शर्म की बात है। मैं मोहतरमा कनीस फातिमा जी से पूछना चाहता हूँ, हिजाब के बारे में आप आकर बयान दिए, कौन ऑफिस में रोक रहा आपको ये हिजाब पहनने के वास्ते? कौन रोक रहा आपको ऑफिस में जाने के वास्ते हिजाब पहनकर? स्कूल की बात है यहाँ पर, आप बात करिए, आपके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। हम खमरुल इस्लाम के साथ भी खड़े हुए थे जब 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 उन्होंने आवाज़ लगाए कौम और मिल्लत के ताल्लुक से, जब जब हम उनके साथ खड़े रहे। आप कांग्रेस पार्टी से ना डरिए, ये छोटे खड़गे बड़े खड़गे से ना डरिए, आप आवाज़ लगाइए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप हमारे बारे में बात नहीं करेंगे तो आपको कुर्सी से हटाने की भी ताकत हम लोग रखते हैं, ये मत भूलिए आप लोग। और मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, और मोहतरमा कनीस फातिमा जी, 6 महीने हो गया आप इलेक्शन जीत कर, एक 15 पॉइंट प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम की एक मीटिंग नहीं करे आप, डिस्ट्रिक्ट में एक माइनॉरिटी मीटिंग नहीं करे आप, फिर क्या फ़ायदा? ये नाली गटर रोड का काम छोड़ दियो, कॉरपोरेटर कई के वास्ते जीते? कॉरपोरेटर खाली कमीशन लेने के वास्ते जीते क्या? उनको काम लगाओ। तुम्हारा काम क्या है? हमारा रिप्रेजेंटेशन करना, असेंबली में बात करना। आपको जो लाखों लोग जो फॉलो करते सोशल मीडिया पर हिजाबी क्वीन के नाम से फॉलो करते हैं, आपको ये बैठ कर नाली और रोड का काम करने के वास्ते फॉलो नहीं करते, ये आप मत भूलो आप। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग जो कांग्रेस को सपोर्ट करे, 55 लाख लोग वोट करे कांग्रेस को मुसलमान,
वो उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस ऐसा ही है, ये 75 साल इन्हों ऐसा ही करे, धोखा ही देते आए हैं। धोखे की इमारत के सिवा कांग्रेस कुछ नहीं दी है। जब तक SDPI के 4 MLA असेंबली में नहीं जाते, ये लोग हमारे बारे में बात नहीं करेंगे। ये बात आप लिख लो, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, और ये भी देखो आप, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद MLA मैडम की एक ऑफिस नहीं है, गुलबर्गा नॉर्थ में एक ऑफिस नहीं है। पब्लिक कहाँ जाना, घर को है बोले तो मैडम कहाँ है बोले तो बेंगलुरु में है, घर को है बोले तो मैडम कहाँ है बोले तो बेंगलुरु में है। और अपोजिशन लीडर्स वो भी गुलबर्गा में एक ऑफिस नहीं है, और कोई अपोजिशन लीडर्स काम नहीं कर रहे, लेकिन SDPI 12 महीने और 365 दिन आवाम के लिए काम कर रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के ताल्लुक से आप बात करिए, अगर आप बात नहीं कर सकते तो रेजिग्नेशन दीजिए। आज SDPI की तरफ से ये प्रोटेस्ट है जो हमने यहाँ के बहुत इम्पोर्टेंट तिमापुरी सर्कल से हमारी नॉर्थ की MLA फ्रॉम कांग्रेस कनीस फातिमा के घर तक तय किया है। ये जो प्रोटेस्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आज 7-8 महीने हो गए कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट बने हुए। जब ये गवर्नमेंट अपने लिए प्रचार कर रही थी, इन्होंने बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए थे कि जब ये पावर में आएंगे, और इन्होंने लोगों को ल्योर किया था ये ग्रीड देकर कि वो माइनॉरिटीज़ के इशू पर या कर्नाटका में जो भी एविल पॉलिसीज BJP की लाई हुई है या जो भी RSS की गुंडागर्दी है उसके खिलाफ ये कानून बनाएंगे, उसके खिलाफ ये एक्शन लेंगे, ये कर्नाटका में पीस का माहौल बनाएंगे। ये इनके कुछ वादे थे जिसमें से हम ये देख रहे हैं कि 9 ऐसे माइनॉरिटी के मुस्लिम MLA जो मुसलमानों के वोट पर आकर आज कुर्सी पे बैठे हैं, अब ऐसा मालूम होता है वो अंधे गूंगे और बहरे हो गए हैं। अभी तक एक भी ऐसा माइनॉरिटी का इशू नहीं है जिसके ऊपर बात करना तो दूर की बात है, एक स्टेटमेंट भी पास नहीं किया जाता। ठीक है, आप हिजाब का मुद्दा लीजिए, माइनॉरिटी के बजट का मुद्दा लीजिए, या फिर जो एविल प्रैक्टिसेस BJP के टाइम पे थी, जिस तरह से उन्होंने यहाँ का सेक्युलर फैब्रिक बिगाड़ा था, या जो हमेशा करते आए हैं, वो आज भी हम देख रहे हैं कांग्रेस के टाइम पे एज इट इज बना हुआ है। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले एक संगी जो है वो मुसलमान औरतों के खिलाफ एक गलत बयानबाजी करता है, कम्युनल हेट फैलाई जाती है, हेट स्पीचेस दी जाती हैं, यहाँ तक कि कम्युनल मर्डर भी हुआ है, लेकिन कोई इसके ऊपर ना तो बात हो रही है, ना ही लॉ एंड ऑर्डर हमें दिखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हमारा सवाल है उन 9 मुस्लिम MLA से जो मुसलमानों का वोट खाकर कुर्सी पे बैठे हुए और उनकी हक मार रहे हैं, उनके साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हमारी SDPI इसको कंडम करती है और हम कहते हैं शर्म की बात है, शर्म करो ये 9 MLA मुस्लिम्स जो बैठे हुए हैं कि तुम अपनी माइनॉरिटी का वोट लेने के बाद उनके लिए मुंह नहीं खोलना चाहते हो, बहुत ही शर्म की बात। This video presented by Inspire Global Group Institute. Learn to succeed. Institute offers a wide range of professional and technical courses. Currently offering 20% discounts. Visit for details and free career counseling at MG Road, Adarsh Nagar, Kalburgi.